नई कमेटी हाय हाय, पुरानी कमेटी वापस करो, पुरानी कमेटी वापस करो, एक मौलवी हाय हाय, मौला फारूक साहब हाय हाय, प्रिंसिपल साहब हाय हाय, मौला जहीर साहब हाय हाय, मौला जहीर साहब हाय हाय, नई कमेटी हाय हाय, नई कमेटी हाय हाय, पुरानी कमेटी वापस करो, पुरानी कमेटी वापस करो। मुझे लिखित आवेदन मिला है मदरसा मजहरुल उलूम वजीदिया डोहाबारी पवाखाली, मदरसा नंबर 743। इस मदरसे के फाउंडर अब्दुल वाजिद साहब जो सदर मुदर्रिस भी थे, 1953 ईस्वी में उनके परिवार के लोग इस मदरसे के लिए 52 डिसमिल ज़मीन रजिस्टर्ड गिफ्ट किए, और अभी जैसा बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2022 को अब्दुल कय्यूम अंसारी जो तत्कालीन चेयरमैन है उनके द्वारा एक कमेटी को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक स्टाफ का बेटा मोहम्मद असलम सेक्रेटरी है, और इन लोगों ने ज़मीन दिखाया है किसी दूसरे जगह दूसरे मौजे में। अभी 7 जनवरी 2022 को कोई 5 कट्ठा ज़मीन इन लोगों ने मदरसे के नाम से रजिस्टर कराया, जबकि मदरसा जिस ज़मीन पर अवस्थित है, जिसमें बिल्डिंग है, मदरसा चलता है, ये ज़मीन जो पुराने सेक्रेटरी है मतीउर रहमान साहब उनके वारिसान द्वारा दिए गए ज़मीन पर चल रहा है। ये चुपके चुपके ज़मीन दूसरी जगह का ज़मीन दिखा करके 2022 में जो रजिस्ट्री हुई 7 जनवरी में दिखा के अब्दुल कय्यूम अंसारी ने इनको अप्रूवल दिया, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, गलत है। मैं कुछ नहीं किया, चल ही रहा था। तो आपका बेटा फिर यहाँ सेक्रेटरी कैसे बन गया? पब्लिक कह रहे हैं कि उनको पता तक नहीं है, मतलब आप। अरे भाई आप लोग चुप रहिए ना भाई, आप जेल गए, आप पर झूठा आरोप लगा या सच्चा आरोप लगा ये तो बात की बात है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए आपने जो है अपने बेटे को सेक्रेटरी बना दिया मदरसा ने। ये जो आपके बेटे का मदरसा में क्या योगदान है? मैं भी डोनेट किया हूँ जमीन मदरसा में। कितना जमीन? 5 कट्ठा डोनेट किया। कहाँ इसका जमीन? कहाँ पे है ये मदरसा है रसिया मोजा में, वो जमीन डोनेट किया है पैकपड़ा मोजा में, वो अभी डोनेट किया 5 पैकपड़ा मोजा में, और मदरसा है आपका रसिया मोजा में। और इसको जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्वेश्चन पे जवाब नहीं दे रहे, आदमी को भटका रहे हैं। ये जो मदरसा वजीदुल अलीम टोहाबाड़ी के नाम से मशहूर है, और ये 1973 में मेरे दादाजी ने मौलाना अब्दुल वाजिद रहमानी साहब ने इस मदरसे को कायम किया था, इस्टेब्लिश किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तब से लेके आज से 52 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बहुत अच्छी तरह से फंक्शन, और हम लोगों ने मेरे दादाजी इनके मेरे वालिद साहब इनके सेक्रेटरी थे, और मेरे जो दादा है वो उनके जो चेयरमैन थे, इन लोगों ने मिल के और गाँव के जो पूरा मेम्बर जो गवर्नमेंट के बॉडी के हिसाब से जो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो रही थी। कुछ लोगों ने पैसे की लालच में आके या किसी चीज़ के लालच में आके उन लोगों ने क्या किया, या आपसी रंजिश की वजह से इन लोगों ने क्या किया, मदरसे बोर्ड में जाके या किसी और के यहाँ से जाके उन लोगों ने एक नया ट्रस्ट बनाया, जो कि 7 जनवरी के इसी साल इस्टेब्लिश किया उन लोगों ने। उसके बाद उन लोगों ने कहीं जाके कुछ लेकिन मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट से ले जाके उन लोगों ने सेक्रेटरी की पावर को इन लोगों ने दस्तखत कर दिया, ख़त्म कर दिया है। उन लोगों ने नया कमेटी बनाया और नया सेक्रेटरी बनाया है, जो कि पुरानी कमेटी जो पहले से फंक्शन कर रही थी प्रॉपर तरीके से, उन लोगों का किसी तरह का नोटिस है कि किसी तरह का उन लोगों को इंटीमेशन लेटर नहीं दिया गया, न किसी तरह का कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। इन लोगों ने सरासर कानून के साथ इन लोगों ने दगाबाजी किया है, इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने कहीं से मनगढ़ंत और फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट कौन किए हैं ये जो हमारे जो यहाँ के जो है अब्दुलरहमान भाई करके है, और जो यहाँ के जो एक पुराने स्टाफ थे हाफिज साहब करके उनका है, और यहाँ के जो हेड मौलवी है। आप ये बताइए किसी मदरसा का है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर हर एक चीज़। यहाँ का कोई बंदा जब यहाँ का कोऑपरेट नहीं करेगा तो एक नई कमेटी कहाँ से आ सकती है, मेरा आप लोगों से पूछना। जाहिर है हेड मौलवी का, तो हेड मौलवी का और जो उनके साथ है मौलाना जहीद साहब है, जो उनका लड़का भी जो सेक्रेटरी बना है उनका है कि नहीं, पुराने कुछ रिलेशन गड़बड़ी होने की वजह से उन लोगों ने नए सिरे से सब चीज बनाया। ये जमीन किन्होंने दिया था? जमीन मेरे दादाजी ने दिया है। आपके दादाजी? जी मेरे दादाजी ने दिए थे 1973 या 1965 में उन लोगों ने दिए। कितनी जमीन है ये? 1965 में। हमारा मुतालबा ये है कि जिन लोगों ने ये मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट्स बनाया है, जो फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट्स बनाया है,
जो भी अलग अलग तरीके से जो कहां से पता नहीं कहीं से डॉक्यूमेंट्स बना के ले आए हैं, इन लोगों ने गवर्नमेंट बॉडी के साथ इन लोगों ने छेड़खानी किया है। मेरे ख्याल से धारा 420 के तहत और जो भी इनके मातहत जो भी धारा आता है धोखाधड़ी का और फोर्जिंग डॉक्यूमेंट्स का, उनके हिसाब से उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई और सजा दिया जाए। कोई भी अगर जब वहाँ दो ट्रस्ट बन करके आया था नियम था उसके, वहाँ स्थलीय जांच होना चाहिए किसी भी सक्षम पदाधिकारी से, बीओ से, डीओ से या मदरसा बोर्ड के किसी सक्षम पदाधिकारी से। और अब्दुल कय्यूम अंसारी का कार्यकाल जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे, आप सब लोग जानते हैं कि वो सुर्खियों में रहा भाई भतीजावाद और गलत काम जो है मन मर्जी से उन्होंने मदरसा बोर्ड को चलाने का काम किया और उसी का यह नतीजा है कि जो ओरिजिनल कमेटी डोनर कमेटी है जिनके ज़मीन पर मदरसा कायम है आज भी चल रहा है, उस कमेटी को मंजूरी नहीं देके बैक दरवाजे से दूसरी जगह जो 5 कट्ठा ज़मीन दिखाया उस कमेटी को मंजूरी दी गई है, तो ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। अगर इसकी स्थलीय जाँच हो जाती तो वो सब पकड़ में आ जाता। कमेटी अगर बदलती है तो क्या होता है, क्या होना चाहिए? ये तो रूल लगा उतना हमको जानकारी नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि उसके लिए मदरसा जो है यहाँ से नोटिस निकलेगा, नोटिस निकलने के बाद आम पब्लिक को बुला करके जो है फिर राय पास होगा, उसके बाद कमेटी बदलेगा, इतना ही हम जानते हैं। ऐसा हुआ था क्या? हम तो बोल दिए सर कि हम समय पर चले, हमारे जाने के बाद अगर हुआ है तो हम नहीं कर सकते, तो जो चीज़ हम नहीं जानते सर आपकी उपस्थिति में होना चाहिए ना। हमारा तो कहीं कुछ है ही नहीं सर, बैठक में थे आम सभा, हमको इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं सर, हम तो एक ही सभा। अच्छा, मदरसा में आम सभा हुआ था ये भी हम नहीं बता पाएंगे, जो नहीं जानते सर। कोई रजिस्टर्ड है यहाँ पर? रजिस्टर्ड नहीं, मेरे यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है सर। आपका हस्ताक्षर है? नहीं, मेरा रजिस्टर जो है सब दीजिए, तो रजिस्टर तो ये बताइए, मेरा जो रजिस्टर था हमारे सबको दे। अच्छा, एक सिंपल सवाल है आपसे। जी सर प्लीज, आपके बगैर अनुमति के तब ये कमेटी बदली हुई? जी, मेरे बगैर मैंने कहा हमको कुछ भी जानकारी नहीं है ना, मेरा कहीं दस्तखत है, वही तो हम बोल रहे हैं सर बार बार आपको। तो अभी कौन है वर्तमान में? वर्तमान में हमारा जाहिर साहब का लड़का जो है ये असलम, जो अभी मुझे बोला कि मेरा लड़का है। ये आप मानते हैं गलत तरीके से हुआ है जी इनका बहाली जो है? उन लोगों का कमेटी का हम कैसे कह रहे भाई साहब, जब आपको आप खुद कह रहे हैं कि गलत तरीके से, हमको जानकारी नहीं है जी, मेरा कहीं कोई दस्तखत है ही नहीं सर। तो हम बगैर कोई खबर के, बगैर कोई मीटिंग किए हुए लोग फर्जी वाला एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को ना हम लोग मानते हैं, हमारे गाँव समाज के लोग मानते हैं ना, और कोई मानता है, इनके द्वारा किए गए कोई काम हम लोग मानते नहीं है, इसलिए कि जमीन हम लोग दिए, हमें लोग इसमें काबिल थे, ये कैसे बन गए रात और रात बगैर सूचना के, हमको हम लोगों को हैरान हो रहा है, ताजुब हो रहा है, हम लोग कैसे ये सब हो गया? क्या मांग करते हैं सरकार? हम मांग करते हैं कि भाई पुरानी कमेटी जिस तरह से काम कर रही थी, पुरानी कमेटी को जो है फिर से दिया जाए मौका, और लोगों को सेवा करने का फिर से मौका दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया मदरसे को चलाने के लिए काम हम लोग करेंगे फिर से। रही बात जो गलत किए हैं उन लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोगों के साथ ये धोखाधड़ी का मामला है, हमारी जमीन को वो अपना अपनी जमीन दिखा के वहाँ मतलब इसमें ट्रस्ट बनाता है। हेड मौलवी का क्या रोल है इसमें? हेड मौलवी का रोल उससे जरूर है, वरना कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो गया? किसको बना दिया गया ये लोग मिलकर के? मिलकर के ये मौलवी जहीर जो यहाँ मुदरिस हैं, उनके लड़का मोहम्मद असलम ये लोग सोसाइटी बनाया। इसके पीछे क्या स्वार्थ है? ये स्वार्थ है कि मदरसा को हम लोग बढ़िया से चलाने नहीं देंगे, और बाकी जो सीट खाली है उस सीट की हम लोग भर्ती करेंगे, अपना मनमानी करेंगे। इस कुछ दिन कवल यानी कि 5-7 महीना से यानी कि ये लोग छुपे छाप यानी कि किसी आम जनता, किसी आम पब्लिक को यानी कि कोई समाज को मैंने कुछ जानकारी नहीं देते हुए ये लोग सेक्रेटरी कैसे ये लोग अपने से चुन लेता है चुपके से, कुछ आदमी के द्वारा ये सब किया गया है, ये सरासर गलत को पता है। नहीं, आप मेंबर नहीं, हम लोगों को कोई इन्फॉर्म नहीं है? राम रहे, कोई इन्फॉर्म। तो ये बात पूछे आप हेड मदरसे से, पूछे क्यों कैसे हुआ ये? हाँ, वही तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, किसी किसी को पूछे भी हैं कि इस तरह कैसे हो गया, कब किए आप लोग? तो इस तरह का जो भी हुआ है ये सरासर गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कुछ भी अगर सेक्रेटरी चेंज करना है तो आप सबको आके बैठिए, गांव समाज का आदमी लेके बैठिए ना, हम ये नहीं बोलते हैं कि मास्टर साहब को नहीं बदलना पड़ेगा, अगर जरूरत है सबको समाज वाला, गांव समाज वाला बोलेगा कि नहीं बदलना है, बदलना है तो सबको बैठा के बुला के बैठ के बदले, उसमें हम भी सहमत हैं, लेकिन ये सब छुपे छाप जो किया है चुपके से ये गलत है। क्या इसकी शिकायत आप मदरसा बोर्ड या ऊपर लेवल पर मुख्यमंत्री तक करेंगे? निश्चित रूप से जब ये लोग मेरे पास आवेदन दिए तो इस आवेदन को मैं अग्रसारित कर दूंगा। आपको एक जो नियम कायदे की बात है कि मदरसा बोर्ड से कोई आदेश निकल जाने पर, अप्रूवल हो जाने पर,
उसको रोकने का दो तरीका है। एक तो स्पेशल सेक्रेटरी का जो कोर्ट है, शिक्षा विभाग के विशेष शिक्षा सचिव, उसके यहाँ अपील दायर कर या हाई कोर्ट में आप जो रिट पिटीशन दाखिल कर, जो गलतियाँ इन्होंने की है, जो इरेगुलेटरीज कमिट हुई है, तो उससे जो है जो उसमें सुधार हो सकता है उसके आदेश को निरस्त किया जा सकता है। और फिर या नहीं तो मुख्यमंत्री जनता दरबार में रजिस्टर करके जाएं, जब इसकी स्थलीय जांच होगी, पदाधिकारी लोग जब जांच करेंगे तो सब बात सामने आ जाएगी कि भाई मदरसा 1953 में बना, ज़मीन दी गई किस मदरसे पर, मदरसा का 3 कमरे का बिल्डिंग जैसा बता रहे तत्कालीन जो है ठाकुरगंज विधायक डॉक्टर जावेद साहब के द्वारा बनाया भी गया है। और ये लोग सिर्फ कमेटी में मनमानी करने के लिए एक टीचर द्वारा अपने बेटे को सेक्रेटरी बनाया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। गलत है।